हमें जी साबा लेने आ गई है। ये साबा ही है ना, साबा ना साबा, ये हाँ कैसी है साबा। सना जी ने हमें चाय पे बुलाया हुआ है, थैंक यू सना जी। सना जी कभी कभी बुलाती हैं प्यार से और हम भागे भागे आते हैं। ये मैं पहले कह चुकी हूँ कि मैं कभी कभी मिले हुए कितने साल हो गए, तीन साल में पहली दफा ये पिज्जा मिला है। इसका नाम है जी स्ट्रॉबेरी फ्रेश डिलाइट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो आज का ब्लॉग बड़ा ही मज़े का है। एक तो मैंने जाना जी सना की तरफ, सना जी मेरी फ्रेंड, और उसकी और हमारी दोस्ती को कितने साल हो गए और उसने कितने सालों के बाद हमें अपने घर बुलाया ये आपको मैं आगे चल के बताऊँगी। और आज का ब्लॉग बड़ा मज़े का, क्योंकि आज मैंने घर में कोई कुकिंग नहीं की, सारा खाना बाहर तैयार हुआ है, बाहर वाले बाहर ही खा लेंगे और हमारे लिए यहाँ अंदर खाना आ रहा है, जिसमें ये जलेबी है, साथ मटन का सालन है, साथ ये मीठे चावल हैं, मुर्ग पुलाव है, और साथ में जी चिकन का सालन है, इसी तरह जी मतलब और भी बहुत कुछ है। और यहाँ पे जी ये है मूंदा, मेरा दिल है कि आज मैं आपको मूंदा से मिलवाऊँ। मूंदा जी हमारे गांव में रहती है, बहुत अच्छी लेडी है, लेकिन ये कि इसका कोई कमाने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, इसको मैं पर्सनली नहीं जानती। ये मुझे आके हमेशा कहती है कि मैंने इस घर की खिदमत की हुई है और घरों में भी काम किया हुआ है, इसकी औलाद नहीं है। और ये आ जाती है कभी कभार खाना लेने, या कुछ ना कुछ इसको ज़रूरत हो, या दवाई के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो ये हमारी तरफ आ जाती है। तो मेरा दिल किया कि मैं आज आपको मूंदा से मिलवाऊं। वैसे इसने मेरे पास कभी काम नहीं किया, मैं तो इसको इसी एज में देख रही हूँ जिसमें आप देख रहे हैं। ये कहती है कि इसने हमारे बुज़ुर्गों के पास ये काम करती थी, और इसी तरह और घरों में भी यहाँ काम करती होगी, जैसे घर हैं यहाँ पर गाँव में, तो बस ये आ जाती है जब इसको कोई ज़रूरत होती है, और स्पेशली जब ये बीमार होती है तो लाजमी आती है, रमज़ान में भी आती है, तो जिस हद तक कर सकते हैं हम इसकी हेल्प करते हैं। तो हुण की होया मुंडा तेनू? सोना सर बनन की होया तेनू? मेरे लाग मदन वाह है की दवाई है सार रहियां नो तो बड़ी दार ढोन मुंडा तेरा घर वाला की करेंदा जी? घर वाला की करेंदा ही अच्छा ऑनलाइन दे रहा है और दे अंदर नहीं नहीं घर वाला तेरा की करेंदा है डोरे थोड़ा सुन घर वाला की करेंदा ही साईं सारे अजी अलजी नाल मो बनना का मेहनत ना को पोरे ना दिहाड़े ना तरका ते बाल कोई तेरे बड़ा ला देंदा बाल बच्चे की दुआ कोई नहीं तेरे बच्चे ना दुनिया ना पुतरा ना भाणा ना बेरा ना पेके ना सा अच्छा और साईं दा नाम में सदा सार मु एडे टुकर खा ले मुंड ते चलो रोटी ले ली खा ली बैठा बंदा बाय रोटी खा लो उठ मंजी बाहर छोड़ो रोटी दो जी। मुंदा ये हमारे विलेज में होती है बेचारी, काफी मुस्तैक है, अक्सर आती रहती है लेने करने के लिए, और आज भी ये आई हुई है, तो बस अभी इसको खाना दे रहे हैं। आज हमारे घर हैं, रमजान से पहले ही काफी गेस्ट आए हुए हैं, बाहर आए हुए, मतलब लेडीज नहीं है, बाहर मेल हैं, तो खाना सारा बाहर तैयार हुआ है। ये देखिए, ये है जनाब चिकन का सालन, यहाँ मटन का सालन, राइस नमकीन और दूसरे साथ जलेबी वगैरह ये बनी उनके लिए, और जो राइस है ना वो भी आने हैं, मुर्ग पुलाव भी आना है बाहर से, तो वो लोग उनको बाहर ही खिलाएंगे। तो ये अंदर जो हमारे पास घर में मतलब हम सब हैं और हमारे साथ जो लोग हैं, या जो घर में सारे हैं ये उनके लिए खाना आ रहा है, या जो हमारे मतलब यहाँ है, या बाहर कम पड़ जाएगा तो फिर हम भेज देंगे। तो ये सारा जी खाना आ रहा है और अभी आना है। और यहाँ पे देखें गाइस, आज मैंने जाना है सना जी की तरफ, तो ये जी गजरेला उनके लिए स्पेशल लेके जा रही हूँ, और ये जी स्पेशल मैंने मंगवाया था आलीशान का, ये भी लेके जा रही हूँ। वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल ब्लॉग गाइस, अभी मैं जा रही हूँ जी सना की तरफ, उधर चाय है हमारी और मैं उसके लिए लेके जा रही हूँ बड़े मज़े का गजरेला और केक, और बस आगे जाके देखते हैं सना जी के घर चलते हैं।
यहाँ पे जी मैं बच्चों को भेजूंगी ट्यूशन पे, उनको ट्यूशन पे छोड़ूंगी और मैं सना की तरफ जाऊंगी। मास्क नहीं दे बना ये गाइस हमारी घोड़ी ने बच्चा दिया था। ये हिटलर है जनाब, ये सारा दिन खुला ही फिरता रहता है, कभी इधर कभी उधर, बस ऐसे ही जब भी हम निकलते हैं सामने पेड़ होता है। चले जी हमें जी साबा लेने आ गई है, ये साबा ही है ना, साबा ना साबा ये कैसी हो साबा, ठीक हो? अच्छा ये मैं हम गली भूल के देखो दूसरी गली में चले। हाँ हाँ कितना अच्छा लग रहा है, खड़े होकर दिखाओ, वाकई स्टिच होके बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। उल्टा सना जी ने हमें चाय पे बुलाया हुआ है, थैंक यू सना जी। सना जी कभी कभी बुलाती हैं प्यार से और हम भागे भागे आते हैं। ये मैं पहले कह चुकी हूँ कि मैं कभी कभी बुलाऊं। अंजुमन मैंने अंजुमन देखनी है, प्लीज दिखाना अंजुमन। अल्लाह तो बाजारा क्या लग रही है, और शरी मेकअप भी कर नाम तो बताएं। ये गाजर का लग रहा है? नहीं जी गाजर का नहीं, बहुत ज्यादा। फिर हम सना से इसकी रेसिपी लेंगे भी, बड़ा कुछ स्पेशल फूड। सना सनास किचन की तरफ से कुछ स्पेशल फूड। गाइस ये जूस बहुत ही मज़े का है, बिल्कुल फ्रेश जूस, और मैं रमज़ान में ज़रूर ट्राई करूँगी और सना से इसकी रेसिपी भी लूँगी। और ये रमज़ान से पहले की वीडियोज़ आ रहे हैं, उससे पहले मैं उसके घर चाय पे गई थी। और ये ग्लास मैं आपको बता दूँ, मैं कहा शायद सना बताना भूल जाए, ये मैंने उसको बर्थडे पे गिफ्ट किए थे, और ये ज़ारा जो हमारी फ्रेंड है ना वो पसंद करके लाई थी। बड़े प्यारे ये ग्लास है जो हमने सना को गिफ्ट किए थे उसकी बर्थडे पे। ये हम जी चार खूबसूरत लेडीज बैठी हुई हैं, ये तीन औरतें तीन कहानियां नहीं बैठी, थोड़ी सी लंबटी है, शुक्र का। ये देखें जी बड़ी मज़ेदार दही भल्ले, साइमा के दही भल्ले, मशहूर साइमा के दही भल्ले, वो साइमा ही बना के लाई है। और ये सर्व हो रहे हैं, और साथ ही फ्रूट चाट जो बड़ी देखने में मज़े की लग रही है वो सना ने खुद बनाई है, और साथ स्पेगेटी। अच्छा मुझे नहीं आता खुद बनाना, आपने बनाई? मैंने बनाई, ये देखिए गाइस ये हैं जी साइमा के दही भल्ले, मशहूर साइमा के दही भल्ले, और ये सना के मशहूर क्या ये स्पेगेटी, और कोई ना लेके दही भल्ले बना के लाए, और सना के मशहूर फ्रूट चाट। चलो मैं कह रही हूं चाट की शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा अच्छा हां साइमा के दही भल्ले मुझे भूले हुए थे कितने साल पहले, चोट लग गई दिखा, ख्याल किया करो ना, यहाँ पे जी बेचारी साबा को ना किसी स्कूटर वाले ने ना कोई गुजरते हुए स्कूटर मारा, तो बेचारी को लग गई चोट, और सना उसकी बड़ी खिदमत कर रही, उसको दवाई शवाई दे के उसने उसको हीटर के आगे बिठाया हुआ है ताकि उसको आराम हो जाए, चाय खाना शाना दे रही है ताकि उसकी तबीयत सेट हो। सना जी बहुत बिजी, सना तू इतना क्यों किया, पिज्जा क्यों बनाया तुमने, इतना कुछ तो था सना, तू भी हद कर ये ले सना का, ये होम मेड पिज्जा तवा पिज्जा, इसमें करके तवा इथे रख चूल्हा वाला कितना गंदा चूल्हा, क्यों भाई इतना धुल रहा है, धुल रहा तो मैं क्या हो गया यार, चूल्हा जब पकाते हैं तो चूल्हे पे चीज गिरती है, एडे केड़े कोई आ गए साइंसदान जेड़े बगैर टाइप कहंदे। ये जी बड़े मज़े का सना का तवा पिज़्ज़ा जो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम खाना है, वो मुझे कह रही है ज़रा चूल्हे से पीछे कैमरा कर लो, लोग बातें करते हैं लेकिन ऐसा कोई साइंसदान नहीं होता जो बगैर गिराए पका सके, थोड़ा बहुत गिर ही जाता है, चूल्हा पकाते हुए ख़राब ज़रूर होता है। सवा तीन में बने हैं दो, नहीं नहीं दो नहीं एक है, एक सवा तीन तोले का। हाँ मैं बताती हूँ, ये देखें जी सना के हाथ का पिज्जा जो मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, तीन सालों में, तीन सालों में सना हमें मिले कितना साल हो गए, इन्हें पला पी पा सना नहीं इसके पास है पहने नहीं। अच्छा बता तूने कितने साल हो गए हमें मिले हुए,
हमें आपको आपको और हमें मिले हुए कितने साल हो गए? तीन साल में पहली दफा ये पिज्जा हमें नसीब है, वरना साइमा को खिला खिला के इसने मोटा किया हुआ। ये बस एक नई चीज देखी थी मैंने, नाम तो बताया मैं उठाने लगी हूँ। इसका नाम है स्ट्रॉबेरी फ्रेश डिलाइट। इसका नाम जी असलाला बुखारी बताएंगे, बताएं जरा क्या है? इसका नाम है जी स्ट्रॉबेरी फ्रेश डिलाइट। लाला जी खा के बताएं। क्या लेंगे ये टेस्ट करते हैं सना जी का एक्सपेरिमेंट। यार सना चाय पी बगैर जाने नहीं दे रही, और बस 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 बच्चे मेरे आए खड़े, बहुत मजा आया सना, मेरे बच्चे आए खड़े हैं। मैंने मैंने जाने दे रही, बहुत घरेलू मजबूरियां, जाना पड़ रहा है इन प्यारी प्यारी हस्तियों को छोड़ के। और जी साबा का भी हम इंटरव्यू नहीं कर सके, साबा की तबीयत खराब, एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट वो आपको सना जी बताएंगी, मोटरसाइकिल साबा को क्या वो सना ही बताएंगी आपको, हम तो सिर्फ दिखाएंगे। हम साबा से मैं नात भी नहीं सुन सकी, नेक्स्ट टाइम साबा स्पेशल बनाना भी बस जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा टाइम गुजरा फ्रेंड्स के साथ, सना ने बहुत अच्छा, मैं बड़ा इंजॉय कराया। और अब मैंने उससे ली इजाज़त क्योंकि मेरे बच्चे ट्यूशन, ये मेरे बच्चों की ना ट्यूशन से वापसी का टाइम होता है, तो मुझे उन्हें पिक करना तो कि एक आध आ गया था, बाकियों को मैंने पिक करना था और घर जाना था, क्योंकि इससे ज़्यादा लेट हम कर नहीं सकते, सुबह उनका स्कूल होता है। उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।